नमस्कार दोस्तों, मैं मदन डोगरा। मैं आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसमें कलकत्ता में रहने वाली लड़की शोभा और भोपाल में रहने वाले अजय के साथ प्यार हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि लड़की कलकत्ता में और लड़का भोपाल में, ये किस तरह का प्यार है? असल में ये सोशल मीडिया का प्यार है। इस सोशल मीडिया पर होने वाला शोभा और अजय का प्यार परवान चढ़ता है या फिर शोभा ने जो सपना देखा है वो सच होता है? तो आइए देखते हैं। यार अजय भाई, दुनिया तेरी बहुत अलग है। तेरी जैसी किस्मत सबकी होनी चाहिए। काश मेरी भी किस्मत तेरी जैसी होती। देख भाई राहुल, ये खूबसूरत दुनिया मुझे ऐसी नहीं मिली। इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात दिमाग के घोड़े दौड़ाता हूँ, तब जाकर नोटों की गड्डी हाथ आती है। तुम भी दौड़ाओ, नोटों की बारिश होगी। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख ये रहा हूँ कि तू दिन भर घर में बैठा रहता है, सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए तू बाहर जाता है, और इतने में तू यही तो राज की बात है प्यारे। बंद कमरे में ही मेरा दिमाग चलता है। बंद कमरे में? यस डार्लिंग, बंद कमरे में। अच्छा अजय, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तू काम क्या करता है। बिजनेस, प्योर प्रॉफिट वाला बिजनेस। तो फिर आजकल कौन सा बिजनेस कर रहा है तू? वही जो रोज करता हूँ। क्या बिजनेस? वैसे भाई ये भी सुना है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है ना? कब मिलवाएगा? सिर्फ नाम बता सकता हूँ यार, हिला नहीं सकता हूँ। भाई तू डर मत, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को पटाऊंगा नहीं, और वैसे भी मेरे पास अपनी है। चल ठीक है, फिर नाम ही बता दे। शोभा। शोभा, अच्छा। अजय को कॉल करूं? नहीं, क्या सोचेगा मेरे बारे में? पर सोचना क्या, हम तो फ्रेंड्स हैं ना, लगा सकती हूँ मैं। लगा लेती हूँ। डार्लिंग मेरी जान, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, बस तुम एक बार कह कर तो देखो। सॉरी जान, वो एक कॉल आ रहा है ना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है ना? ओके जान, बाय। हेलो। हाँ कौन? हाय, मैं शोभा बोल रही हूँ, कोलकाता से। हाय शोभा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। आज पहली बार आपसे फोन पर बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि फ्रेंड्स बुक पर फ्रेंड्स बनकर हम कभी इस तरह से बात कर पाएंगे। सच कहूँ ना शोभा, मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की ही तलाश थी, और वो तलाश पूरी हो गई तुमको पाकर। अच्छा अजय, मैं आपसे एक बात पूछूं? जब से मैं आपकी लाइफ में आई हूँ, तब से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव आए हैं? बदलाव? बदलाव ही बदलाव आया है। पहले मैं अपने दोस्तों के साथ इधर उधर जाता था, पार्टियों में जाता था, लेकिन अब तुम्हारे ही ख्यालों में खोया रहता हूँ, और यही एक रूटीन बन गया है मेरा। दिल चाहता है कि तुम्हारे पास चले आऊं और बस तुम्हें देखता रहूं, हाथों में हाथ डालकर, आंखों में आंखें डालकर, बस तुम्हें ही देखता रहूं। कल्पना अच्छी कर लेते हैं आप। वैसे अगर आप ये सब कुछ सच कह रहे हैं, तो मैं कितनी लकी हूँ ना कि मुझे आपके जैसा इंसान मिला है। आपको पता है, मुझे हमेशा से लगता था कि फ्रेंड्स बुक पर लोग एक दूसरे को चीट ही करते हैं, और सच कहूँ तो मुझे डर था कि कहीं आप भी मुझे धोखा ना दे दें। लेकिन अब मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी चॉइस बिल्कुल परफेक्ट है। थैंक्स शोभा, एक बात कहूँ? जी कहिए।
मेरा मन कर रहा है कि मैं कोलकाता में आके तुमसे मिलूं। कोलकाता? मिस्टर, भोपाल से कोलकाता बहुत दूर है। बाय चांस आप यहाँ पर आ भी गए ना, तो आप मुझसे मिल नहीं पाएंगे क्योंकि मेरे मम्मी एंड डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर उन्हें हमारे बारे में पता भी चल गया ना तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। अरे जाने दो फिर, कोई बात नहीं, हम फोन पे ही बात कर लेंगे, ठीक है? और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बाय बाय बाय। नाम क्या है उसका? अजय। बड़ा प्यारा नाम है। वो भी बहुत प्यारा है, और तुझे पता है आई रियली लव हिम। मतलब तू सच में उससे प्यार करती है? हाँ अंजलि, अजय मेरा पहला प्यार है और वही मेरा जीवन साथी भी बनेगा। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। प्यार को परवान चढ़ते ना देर नहीं लगती है, तू भी ट्राई कर ले, पता चल जाएगा। ना बाबा ना, मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना, मेरा ब्राइट फ्यूचर तो मेरी पढ़ाई में है। ओके, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम लव मैरिज नहीं करोगी? नो। अरेंज मैरिज करोगी? यस। ओके, एज यू विश। अच्छा अजय, तुम्हारा चैट फ्रेंड है ना? हाँ। ऐसी फ्रेंडशिप में ना प्यार कम फ्रॉड ज्यादा होता है, ध्यान रखना। नहीं अंजलि, मुझे अजय पर पूरा भरोसा। प्यार में इंसान अंधा हो जाता है, लेकिन अपनी आंखें खोलकर कदम आगे बढ़ाना। ओके, डोंट वरी, मेरे कदम तो ऑलरेडी आगे बढ़ ही चुके, अब सिर्फ भागने की देर है। सीरियसली? अजय ने झूठ, प्रेम, धोखा और मक्कारी के धागों से एक ऐसा जाल बुना है कि जिसमें कोई भी लड़की आसानी से फंस जाए। लेकिन अजय ये जाल उन्हीं लड़कियों पर फेंकता है जो खूबसूरत और दौलतमंद है। शोभा भी उन्हीं में से एक है जो अजय के जाल में फंस चुकी है। लेकिन अजय कदम दर कदम अपनी चाल में कामयाब होता जा रहा है, और इधर शोभा अजय के प्यार में पागल होकर दीवानगी की हद पार कर देना चाहती है। शोभा के प्यार में उसके मम्मी पापा दीवार बने हुए, और वो इस दीवार को तोड़कर अजय से मिलने को बेकरार है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, और शोभा भी हार मानने को तैयार नहीं। नहीं पापा, मैं अजय से ही शादी करूंगी। ये तुम्हारा फैसला है या धमकी? आप इसे कुछ भी समझ लीजिए। शोभा, तू पागल तो नहीं हो गई? पागल? और नहीं तो क्या, तू अपने माँ बाप का अपमान कर रही है उस लड़के के लिए जिसको तू ठीक से जानती भी नहीं। नहीं पापा, जानती हूँ, अजय बहुत अच्छा लड़का है पापा, मुझे बहुत खुश रखेगा वो। वो खुश रखेगा और हम क्या तुझे दुख देते हैं? वाह बेटा वाह। प्लीज पापा, आप समझने की कोशिश कीजिए, अजय बहुत अच्छा लड़का है, आप लोग एक बार उससे मिल तो लीजिए। मैं उस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहता जो हमारी ही बेटी को हमारा दुश्मन बना दे। तुम्हारी शादी हमारी मर्जी से ही होगी, और हमारी पसंद का लड़का ही तुम्हारा जीवन साथी बनेगा। हमारे दोस्त का एक बेटा है अंगद, तुम उससे एक बार मिल लो, मुझे विश्वास है कि फिर तुम अजय को भूल जाओ। हम अंगद के परिवार को वचन दे चुके हैं, अगले महीने ही वो अमेरिका से कोलकाता वापस आएगा, और उसके आते ही हम तुम्हारी एंगेजमेंट कर देंगे। नहीं पापा, मैं अजय के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ, और अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं अपने
रिश्तों का क्या मतलब? बोल शोभा, तो का क्या मतलब है? तू हमें धमकी दे रही है? नहीं मम्मी, समझा रही हूँ। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ आप लोगों से। और हम दोनों अगर तुम्हें ये प्यार की भीख न दे तो पापा, मैं विद्रोह करना भी जानती हूँ। शोभा, तुम इतना घबराई हुई क्यों? अजय, अजय मैंने मम्मी पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हमारे प्यार के लिए राजी नहीं है। नहीं शोभा, ऐसा मत कहो। हमारा प्यार कमजोर नहीं है जो टूट जाएगा। और जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं पा रहा हूँ। हाँ। और अगर तुम नहीं मिली ना जल्दी से मुझे, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। नहीं अजय, तुम ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत लाना। अब तुम ही तो हो मेरी जिंदगी में, और वैसे भी मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ। और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। थैंक यू शोभा। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ जी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अजय ने शोभा के दिल में पूरी तरह से उतरने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। शोभा को यह नहीं मालूम कि अजय का प्यार प्यार नहीं, दिखावा है, एक छलावा है। शोभा घर में बेचैन है। उसे लगता है कि अजय उसके प्यार में जान भी दे सकता है। बस इन्हीं बातों को मन ही मन सोचते हुए वो एक फैसला करती है और फिर इस फैसले को अंजाम देती है। क्या मैं सही कर रही हूँ? शायद नहीं, शायद हाँ। कहीं मेरे ऐसे करने से मम्मी पापा की इज्जत चली गई तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं बाद में उनको मना लूँगी। लेकिन अगर अजय ने मुझे धोखा दे दिया तो अजय मुझे क्यों धोखा देगा? वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। भगवान प्लीज इस बार मेरा साथ दे दीजिएगा। तो ये आपकी लड़की है? जी। लड़की का क्या नाम बताया आपने? शोभा, शोभा बनर्जी। उम्र क्या है? 21 साल की है। और कब से गायब है? 3 दिन से। 3 दिन? और आप आज पुलिस के पास आए? आप लोगों ने शोभा के दोस्तों से कोई पूछताछ की? नहीं, उसका ऐसा कोई दोस्त नहीं जहां वो 3 दिन ठहर सके, और उसी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन ऐसा कोई तो होगा जिसके वो बेहद करीब होगी। देखिए, आप लोग हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत कीजिए। हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही बैठे हैं। आप लोग कानून का साथ देंगे तो कानून आपका साथ देगा। हवालदार, इनकी बेटी की मिसिंग की FIR लिखो। ओके। FIR की कॉपी और शोभा की तस्वीर आसपास के सभी थानों में ईमेल और फैक्स कर दो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब,
हमारी बेटी मिल तो जाएगी ना? जी आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी बेटी का मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, कॉल ट्रेस करके शायद हम किसी नतीजे पे पहुंचे, और जैसे ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है हम आपको इन्फॉर्म कर दूंगे। आपने इंस्पेक्टर को अजय और अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बात क्यों नहीं बताई? बताना तो चाह रहा था लेकिन कंफर्म भी तो नहीं था कि शोभा उसी के पास है, और फिर उसके भी घर वालों की बदनामी होती है, इसी वजह से नहीं बताया। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। सच? तुम्हें यकीन है? तुम्हारे प्यार पर यकीन नहीं होता तो अपने मम्मी पापा को छोड़कर तुम्हारे पास क्यों आती? देखो शोभा, प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसीलिए तो हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। अच्छा अजय, सबसे पहले चलकर किसी मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी? अरे अभी तक तो तुमने इस शहर को पहचाना ही नहीं है, और मुझे भी नहीं पहचाना है। अरे जिंदगी भर साथ रहना है। हाँ वैसे अजय, तुम्हारे मम्मी पापा मुझ जैसी साधारण लड़की को अपने घर की बहू बनाएंगे? बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? और नहीं बनाएंगे ना तो मैं अपना गला काट लूंगा। भगवान के लिए ऐसी बातें मत करो प्लीज। अच्छा अजय, मैं ना अपने मम्मी पापा को भी लाऊंगी और उनको दिखाऊंगी कि मेरा फैसला गलत नहीं था। वो हमें खुश देखकर कितने ज्यादा खुश हो जाएंगे ना। हाँ क्यों नहीं, जरूर। तो बा डार्लिंग, हम जिएंगे साथ में और मरेंगे साथ में। शोभा के माता पिता ने बदनामी के डर से अजय के बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताया। जिस बात का डर उसके माँ बाप को था, शोभा वो काम कर चुकी थी। पुलिस में कंप्लेन हो चुकी है, पुलिस अपना काम करेगी और कर भी रही। शोभा की फोन कॉल्स की डिटेल से इंस्पेक्टर सन्याल की शक की सुई बार बार अजय पर आकर अटक जाती। डिटेल से पता चला है कि जिस रात शोभा अपने घर से भागी उसके अगले दिन कई बार अजय से बात करने की कोशिश की गई, ज्यादातर शोभा की तरफ से। कोलकाता पुलिस को पूरी तरह से अजय पर शक है। पुलिस को जब किसी पर शक होता है तो वो तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक सच्चाई का पता ना लग जाए, और अभी तो कोलकाता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है। पुलिस को अपने प्रयास में सफलता दिखाई देने लगी। अच्छा मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। गुड जॉब, आपने काफी अच्छा काम किया है। शोभा का यहाँ ज्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट तो भोपाल से ज्यादा था सर। भोपाल में पिछले महीने की 13 तारीख से यह नंबर शोभा के कांटेक्ट में आया। जिस रात शोभा गायब हुई उसी रोज शोभा ने इस नंबर पर 5 बार कॉल किया और फिर एक बार कॉल रिसीव की गई, और कांटेक्ट लिस्ट के मुताबिक पूरे 12 मिनट 11 सेकंड बात हुई सर। कौन हो सकता है?
जो नंबर मैंने मार्क किए हैं उनका नाम और एड्रेस निकालो। ओके सर। गुड जॉब, आपने काफी अच्छा काम किया है। शोभा का यहाँ ज्यादा लोगों से कांटेक्ट नहीं था। कांटेक्ट तो भोपाल से ज्यादा था सर। भोपाल ने पिछले महीने की 13 तारीख से यह नंबर शोभा के कांटेक्ट में आया। जिस रात शोभा गायब हुई उसी रोज शोभा ने इस नंबर पर 5 बार कॉल किया और फिर एक बार कॉल रिसीव की गई। कांटेक्ट लिस्ट के मुताबिक पूरे 12 मिनट 11 सेकंड बात हुई सर। कौन हो सकता है? जो नंबर मैंने मार्क किए हैं उनका नाम और एड्रेस निकालो। ओके सर। डार्लिंग, हम लोग कब तक इस तरह मिलते रहेंगे? मुझे तुम्हारे घर की बहू बनना है। तो बन जाना, मना किसने किया है? क्यों मजाक करते हो? तुम्हें तो कहते हो कि तुम्हारे करोड़पति पापा ने तुम्हारे लिए हजारों लड़कियां देख रखी है। अरे स्वीटी, तुम तो लाखों में एक हो और मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता वारिस। उन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। अच्छा, और अगर वो नहीं माने तो? उन्हें डराने के लिए मैं अपने हाथ के नसें काट लूंगा। फिर कहोगे ऐसा? नहीं नहीं बोलूंगा, तुम्हारी कसम कभी नहीं बोलूंगा। हाँ, जो मैंने कहा था बुलाया तुमने? हाँ। ये मेरी हीरे की अंगूठी, इसे तुम हीरा चाट कर मरना है क्या? इसका क्या करूंगा मैं? मुझे तो कैश चाहिए था। खर्चा दिखाकर ही पार्टी बढ़ाई जाती है, एक डील में करोड़ों का प्रॉफिट। ठीक है, तो मैं इसे बेचकर शाम तक पैसों का इंतजाम कर देती हूँ। शाम का इंतजार कौन करता है? हेलो, अजय स्पीकिंग। मैं रजनी बोल रही हूँ, तुम्हारे घर के पास वेट कर रही हूँ। हाँ आता हूँ मैं, अभी आता हूँ। ओके डार्लिंग, मैं आता हूँ, पार्टी का ही फोन है। ठीक है, बाय बाय, सी यू। पुलिस की तत्परता रंग लाती है, अजय को पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन अभी भी शोभा का कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस बड़े प्यार से अजय से पूछताछ करती है लेकिन अजय कुछ भी जवाब नहीं देता। कौन है यार? आ रहा हूं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहिए क्या क्या बात है? लेकिन आप कुछ बताएंगे भी? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? किस बात की तलाशी? आपके पास सर्च वारंट है ना? वारंट दिखाओ इनको। तुम्हारा ही नाम अजय? जी हाँ। तो तुम्हें विश्वास है कि हम कलकत्ता से हैं, बिना सर्च वारंट के आए हैं? आप लोग तलाशी शुरू कीजिए और जो कुछ मिले मुझे बताइए। यस सर। पर आप यहाँ तलाशने के आए हैं? घबराओ मत, हमें जो कुछ मिलेगा हम आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल हमें हमारा काम करने दीजिए। अजय तुम करते क्या हो? बिजनेस।
बिजनेस करता हूँ। बिजनेस? किस चीज का बिजनेस? वही कालीन का, कालीन एक्सपोर्ट का। नो सर। चक्रवर्ती, तुम्हें कुछ मिला? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं मिला। कमाल है, कालीन के कारोबारी के घर में एक भी कालीन नहीं। मुझे तो लगता है तुम्हारा बिजनेस कुछ और ही है। चलो कमरे की तलाशी ली? मैंने कोशिश की सर, लेकिन दरवाजा बंद है। दरवाजा बंद क्यों है? हाँ, कभी कभार जाना होता है इसलिए बंद है। अरे हम भी तो देखें, कभी कभी आप अंदर खो जाते हैं। जी, अपने घर में। दरवाजा खोलो, मुझे उस कमरे की तलाशी करनी है। ठीक है जी। यहाँ बहुत अंधेरा है, लाइट तो ऑन कीजिए। हाँ करता हूँ। आपके यहाँ साधु सन्यासी या संत महात्मा आते हैं क्या? जी नहीं, कभी नहीं। इतना मोटा गद्दा? हाँ थोड़ा मोटा है। कुछ ज्यादा मोटा नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आप तो इस गद्दे के पीछे ही पड़ गए हैं। चबूतरा कैसा है? और चबूतरे के नीचे क्या है? कुछ नहीं, आपको कुछ भी तो नहीं है? देखो हमें सच बता दो, वरना हमें सच उगलवाना आता है। हम तुम्हें अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसलिए जबान खोल दो। लेकिन मैंने किया क्या है? हवलदार। यस सर। गिरफ्तार कर लो इसे। किस जुर्म में? लड़की को अगवा करने के जुर्म में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप इस तरह मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आपके पास क्या सबूत है? आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादती तो मैं तब शुरू करूंगा जब तू मुझे सच नहीं बताएगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा सच बता दो, वक्त है, वरना मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमारी मदद करो, पुलिस का सहयोग करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे लिए हमदर्दी दिखा सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार। यस सर। तो लेबर को बुलाओ और इस चबूतरे को खुदवाओ। इंस्पेक्टर साहब, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। हवलदार। यस सर। तो लेबर को बुलाओ और इस चबूतरे को खुदवाओ, सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। यस सर। नहीं रुकिए सर, मैं बताता हूं, मैं सब सच बताता हूं। गुड, बताओ। शोभा और मेरी मुलाकात एक सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। ये मुलाकात कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। इस प्यार में शोभा तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मैं उससे नहीं करता था। मेरे जीने का तरीका कुछ अलग था। मेरे माँ बाप मेरी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे थे, और अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मैंने लोगों से लाखों रुपये का उधार लिया। लेकिन सही समय पे मैं उनका उधार नहीं चुका पा रहा था, मैं मजबूर हो गया था।
फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं किसी धनवान लड़की को अपने प्यार में फंसाऊं और अपना कर्जा चुकाऊं। संजोग से मुझे शोभा मिल गई। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और मैं इस आग के दरिया में डूबने के लिए तैयार हूँ। हमारा प्यार डूबने और मरने के लिए नहीं है शोभा, हम साथ जिएंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। हाँ अच्छा, मैं भी तुम्हारे साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधना चाहती हूँ। तो चली आओ, किस बात की देरी है? वैसे शोभा के आने से हमारे घर की शोभा बढ़ जाएगी। इतना आसान नहीं अजय, और वैसे भी मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। प्यार के बारे में पता चल गया है और वो हमारे प्यार का विरोध भी कर रहे हैं, है ना? हाँ अजय, मम्मी पापा बहुत नाराज हैं। डोंट वरी यार, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में सबके साथ ऐसा ही होता है। बस एक बार तुम मेरे पास चली आओ, हमारी शादी हो जाएगी और हम खुशहाल जिंदगी जिएंगे, और तुम्हारे मम्मी पापा का गुस्सा भी शांत हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है। मेरी हो जाओ तुम बस, उसके बाद मैं सबको मना लूंगा। मैं तो कब से तुम्हारी हो चुकी हूँ अजय, और मैंने तो भगवान को साक्षी मानकर तुम्हें अपना पति भी मान लिया है। अरे तो देर किस बात की है, जल्दी से चली आओ भोपाल। और हाँ, वो ज्वेलरी और कैश भी लेती आना। ज्वेलरी और कैश? मैं कुछ समझी नहीं अजय, ज्वेलरी और कैश किस लिए? अरे मेरी जान स्वीट हार्ट, सिर्फ अच्छे कपड़े पहनकर लड़की दुल्हन नहीं लगती, ज्वेलरी से उसका श्रृंगार पूरा होता है। दूल्हा दुल्हन बनकर हम धार्मिक रीति से शादी करेंगे। शायद तुम मुझ पे शक कर रही हो। नहीं। और करना भी चाहिए, लेकिन एक बात सच है कि मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ। मैं भी अजय। तो फिर? अजय, मैं अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए एक और कोशिश करूंगी। ओके, लेकिन ध्यान रहे कि कहीं देर ना हो जाए। नहीं अजय, मैं देर नहीं होने दूंगी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, लव यू। मैंने ज्वेलरी के साथ उसे भोपाल बुलाया और अपने मम्मी पापा से दूर एक होटल में रखा। अजय, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे एक दिन तुम मेरे साथ होगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सांसें तुम्हारी सांसों से कह रही हैं कि बिना देरी किए एक दूसरे में खो जाएं। मैं तैयार हूँ अजय। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। क्यों? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक हम एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन तुम ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहना, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करना। ठीक है। अजय, एक हफ्ता होने वाला है और तुम
बार बार कुछ ना कुछ बहाना करके मुझे अपने मम्मी पापा से नहीं मिलवा रहे। आज ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। चलो घर चलो, मुझे तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना है। मैं तुम्हारी बात को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मम्मी पापा घर पर नहीं है, जबलपुर गए, अब कल आ जाएंगे, मिला दूंगा तुमको। पर अजय तुम बार बार कुछ ना कुछ। आज ना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ, चलो घर चलो। ठीक है, मैं इस बात के लिए मना नहीं करूंगा, नहीं तो कहोगी कि मैं वापस से बहाना बना रहा हूँ, कि आज्ञा का पालन होगा। सब खुश? चल चल। शोभा मेरे मम्मी पापा से मिलने के लिए जिद कर रही थी, लेकिन मैं हर बार बहाना बनाकर टालता रहा। एक बार शोभा जिद कर सीधे घर पर आ गई। अजय अजय बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। तुम खुश हो ना? हाँ अजय, I'm so 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 happy। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ, चलो। अरे ऐसे इधर उधर क्या देख रही हो? अब ये तुम्हारा ही कमरा है, सो जाओ आराम से। अरे अजय, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं वो दूसरे कमरे में जाकर सो जाता हूँ। नहीं, तुम यहीं सो जाओ ना। देखो शोभा, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक हमारी शादी नहीं होती मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। ओके डार्लिंग? ओके, बाय बाय, गुड नाइट। बाय, स्वीट ड्रीम। मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे, शोभा घर पर आने के बाद वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिद कर रही थी कि जब तक वो मम्मी पापा से मिल ना जाए वो वापस नहीं जाएगी। और अगले ही दिन मेरे मम्मी पापा घर पर आने वाले थे। मैं नहीं चाहता था कि शोभा के बारे में उन्हें कुछ पता चले। शोभा की जिद और मम्मी पापा की वापसी, ये दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया शोभा को ठिकाने लगाने के लिए। मैंने उसका खून कर दिया, मार दिया मैंने उसे। साहब, सर सर, चबूते के नीचे एक लाश मिली है, इसको भी लेके चलो। सर,
हवलदार। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने का बंदोबस्त करो। यस सर। चल फांसी दे दो इसको, फांसी दे दो, मेरी बेटी का कातिल है। आपको फांसी दे दो। आप प्लीज शांत रहिए, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, कानून अपना काम कर रहा है, इंसाफ मिलेगा। हवलदार इसको अंदर लेके जाओ। तो देखा आपने, फ्रेंड बुक पर दोस्ती तो समझ में आती है, इसमें खोए हुए फिर से एक दूसरे से मिल भी जाते हैं। अगर कॉन्टेक्ट नंबर मिस हो गया हो तो एक मैसेज से फिर से कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। फ्रेंड बुक एक सोशल साइट है जिसमें ढेर सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन इसमें ऐसे जुर्म भी होते हैं जैसा कि आपने देखा। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन प्यार में जुर्म करना जुर्म। अजय का क्या हुआ? उसे उम्र कैद हुई या शोभा के मां बाप के इच्छा के अनुसार फांसी? इसका फैसला तो अदालत करेगी, लिहाजा हम इसके होने वाले फैसले के पूर्व कुछ नहीं कह सकते। इसलिए आप भी अदालत के फैसले का इंतजार कीजिए और मिलते हैं हम अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।